दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के एक और इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी डोर्स में हो सकता है कई बार स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हों। आप देख सकते हैं कि ये कई बार चीज़ें थोड़ी सी एडवर्स हो जाती हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर डोर गार्ड हैं या डोर प्रोटेक्टर हैं वो लगाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो ये आई पॉप के डेकोरेटिव जो डोर गार्ड है वो मैं लेके आया हूँ। तो इसको लगाना वैसे तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें डबल साइडेड टेप होता है, लेकिन उससे पहले कुछ इसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं, जैसे कि आपको कपड़े साफ़ कपड़े की ज़रूरत होगी, गंदा कपड़ा नहीं, साफ़ कपड़े की ज़रूरत होगी। और उसके अलावा थोड़ा सा फ्यूल या पेट्रोल चाहिए जिससे कि आप उस जगह को साफ़ कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो डोर गार्ड है इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो बड़े दिए हुए हैं और दो छोटे दिए हुए हैं। तो बेसिकली जो छोटे होते हैं वो रियर साइड के लिए होते हैं और जो बड़े होते हैं वो कंपैरेटिवली फ्रंट साइड के लिए होते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए बड़े वाले उसके लिए दिए हैं। तो आइए अब इसको सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं और फिर इसको लगाएंगे। तो इसको ओपन करने के लिए मैं दोनों तो जरूरत होगी तो मैं पहले इसको खोल लेता हूँ। तो गाइस, ये पैक को खोलने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके के कुछ क्रोम एलिमेंट हमें इसमें मिलता है। और इसको चिपकाने का तरीका बहुत आसान है, इसमें डबल साइडेड टेप यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो हमें दोनों तरफ से टेप निकालना है और फिर दरवाजे में लगा देना है। और जो जगह होगी वो थोड़ी सी हमें इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो हैंडल है, इस हैंडल के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है ये, क्योंकि बेसिकली यही सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है और यहीं पर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। तो ये यहाँ पर, और अगर पीछे की तरफ की बात की जाए तो यहाँ पर इसको हमें लगाना है। लेकिन लगाने से पहले थोड़े से पेट्रोल के साथ में थोड़ा कपड़ा लेंगे और उस जगह को साफ़ कर लेंगे, ताकि अगर कोई वैक्स या फिर ऐसे कुछ पॉलिश वहाँ पर लगी हो जिससे कि डबल साइडेड टेप लगने में दिक्कत हो या फिर उसकी स्ट्रेंथ में कोई समस्या हो, तो वो चीज़ पहले हमें फिक्स कर लेनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चारों की जगह को साफ़ कर लेते हैं। इसको जो डोर गार्ड है इसको लगाने से पहले हमें दरवाजे का कोई भी जो वैक्स उसमें लगा होगा उसको साफ़ करना होगा, और उसके लिए हम इस तरीके से थोड़ा सा फ्यूल ले सकते हैं, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं जैसे केरोसिन वगैरह, पारफिन, कुछ भी। और इसको जहाँ पर हमें लगाना है वहाँ पर इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ लगाना है, पीछे की तरफ यहाँ लगेगा, ये जिस तरीके से। और अगर इसके पीछे की तरफ इस तरफ आइदर साइड आए तो यहाँ पर उससे ये होगा कि जो इसकी जो एडहेसिव पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये हो गया, बस इतना सा काम है जिसकी वजह से ये अब निकलेंगे नहीं इतनी आसानी से। अब आइए ये करके लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा और एक छोटा ले लेते हैं इस ड्राइवर साइड का। तो इसको ऊपर रख देते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस तरफ से सही बैठता है। जैसे ये अभी ठीक है बैठ रहा है, पर अधिकतर जो है गोल लगते हैं, इसमें गोल वाला हिस्सा पीछे की तरफ होना चाहिए, पर मुझे ये ठीक लग रहा है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। अब लगाने का जो तरीका है वो ये है कि इसमें ये जो डबल साइडेड टेप की जो एक पॉलीथिन है ये हमें निकालनी है। और इसी तरीके से इस तरफ भी, और मुझे दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले निकाल लेता हूँ, नहीं तो ये खराब भी हो सकता है। तो ये दोनों तरफ की हमने पॉलीथिन निकाल ली है। अब सावधानी से दोनों तरफ बराबर मार्जिन लेके इसको हम
यहाँ पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद में थोड़ा सा इसको दबाना होगा मॉडरेट लेवल तक, और फिर ये हो गया। और सेम इसी सिमेट्री में इस तरफ लगा देना है, तो इस तरफ का भी लगा दिया है हमने। अब आइए इसके दो उस तरफ के दोनों और लगा देते हैं। चारों जो डोर गार्ड है वो हमने लगा दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली इनका जो काम होता है वो दरवाजे को किसी भी ऑब्स्टिकल से या फिर किसी भी तरीके से थोड़ा सा बचाना होता है, ताकि जो कॉर्नर की जो पेंट है ये ना निकले। अच्छा, अब इस वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यूजुअली पूछी जाती है मुझसे, वो ये है कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो गाइस, ये जो मैंने ख़रीदा है ये एक लोकल जो शॉप है वहाँ से ख़रीदा है, और इसकी जो कीमत है वो 300 रुपये के आसपास है। आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं, तो हो सकता है 280 या 260 या 250 तक भी दे दें, पर अब क्योंकि मुझे ज़्यादा बार्गेन करने की आदत नहीं है तो मैंने 300 रुपये में ख़रीदा है, और मुझे थोड़ा ठीक ठाक ही लगा ये, बाकी और भी कलर थे, तो इस तरीके से हमने इसको इसमें लगाया। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।